नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। एक्टर विक्रांत मेसी इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 12th फेल की सक्सेस एंजॉय कर रहे हैं। इसी बीच एक्टर ने अपनी डेब्यू फिल्म लुटेरा पर बात की। उन्होंने बताया कि फिल्म की शूटिंग के पहले ही दिन उन्होंने लीड एक्टर रणवीर सिंह की नाक पर प्रॉपगन मार दी थी। इसके बाद उन्हें डर था कि उन्हें फिल्म से निकाल दिया जाएगा, हालांकि ऐसा हुआ नहीं। एक इंटरव्यू में विक्रांत ने अपने पहले फिल्मी शॉट पर बात की। विक्रांत ने कहा, मुझे मेरा पहला शॉट बहुत अच्छे से याद है। हम फिल्म सिटी में फिल्म लुटेरा की शूटिंग कर रहे थे। यह एक बेडरूम सीन था जिसमें रणवीर का किरदार आकर मुझे जगाता है और मैं उस पर बंदूक तान देता हूँ। मैं इस सीन को शूट करते वक्त बहुत नर्वस था क्योंकि यह मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट था, विक्रांत ने आगे बताया। और जब सीन शूट हुआ तो मैंने जैसे ही अपनी गन निकाली, वो रणवीर की नाक पर जोर से जा लगी। मुझे लगा कि अब तो मैं पहले ही दिन इस फिल्म से निकाल दिया जाऊंगा। मैंने अपनी पहली फिल्म के पहले ही सीन में फिल्म के लीड एक्टर को ऐसी चोट लगा दी जिसे रिकवर होने में उसे कुछ हफ्तों का वक्त लगेगा, पर शुक्र है कि ऐसा नहीं हुआ। विक्रांत ने 2013 में रिलीज हुई रणवीर सिंह और सोनाक्षी सिन्हा स्टारर फिल्म लुटेरा से बॉलीवुड डेब्यू किया था। इसमें उन्होंने रणवीर के दोस्त देवदास मुखर्जी का रोल प्ले किया था। इससे पहले विक्रांत ने 2007 में टीवी शो धूम मचाओ धूम से एक्टिंग डेब्यू किया था। इसके बाद वो धर्मवीर और बालिका वधु समेत कई टीवी शोज में नजर आए थे। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।